तो नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारी YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है तो दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं आपको ब्रीफ मूवी के बारे में यानी एक तरह से वेब सीरीज के बारे में जो कि ऑप्शन रूप से नेटफ्लिक्स पर आपको देखने को मिली है तो दोस्तों इसके बारे में ही सारी डिटेल हम आपको बताएंगे मेकिंग के बारे में बताएंगे और मैं आपको बता दू ये एक मिनी सीरीज है जिसका की आपको अगला सेक्शन देखने को शायद ही मिले कन्फर्म है कि शायद ये देखने को नहीं मिल सकता साथ ही साथ इसके दस एपिसोड है और सेक्शन वन है उन सभी को मैं को एक्सप्लेन करने वाले हैं साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे साथ ही तो साथ तो दोस्तों जानना चालू करते हैं इसके फर्स्ट एपिसोड से तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक मिनी सीरीज है इसलिए इसका कोई भी अगला सेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा आपको इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है तो दोस्तों बेसिकली डिटेल जानना चालू करते हैं इस मूवी के बारे में तो दोस्तों मैं बताऊँ तो इस मूवी के बारे में ब्रीफ़ नेटफ्लिक्स के लिए एक लिस्ट होंगी जिन्हें द्वारा बनाई गई है और गाई एक्स अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा मिनी सीरीज है जी हाँ दोस्तों ये एक मिनी सीरीज इसलिए इसका और सेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा पूरी स्टोरी इसी एक तरह से सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी एक स्टील यल और आली वोल्ड को दो लोगों के रूप में प्रस्तुत किया गया है और जिनकी रोड रेज की घटना में शामिल होने से उनकी जीवन का उपभोग शुरू हो जाता है और जॉर्फन ली और योंग बारजी डेविन शो और इसी के साथ साए भूमिकाओं में दिखाई दी है साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो ये एक कॉमेडी -एक सीरीज है साथ ही साथ कॉमेडी ड्रामा इसमें देखने को मिलेगा साथ ही साथ साइंस साथ ही साथ ट्रेजिक कॉमेडी साथ ही साथ ये बनाई गई है ली शुंग जी के द्वारा इसके अंदर अभिनेता आपको देखने को मिले स्टीवन यू और एली वोंग साथ ही साथ से ली एंग मॉर्जियो और डेलवी चो साथ ही साथ पार्टी युद्ध इस सीरीज के बारे में बात की जाए तो इसमें म्यूजिक दिया है बॉबी कार्लिन साथ ही साथ मुख्य रूप से इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया गया है लैंग्वेज की बात की जाए तो ऑप्शन इसकी जो लैंग्वेज है वो अभी तक इंग्लिश में इसे प्रोवाइड कराया गया है इसके सेक्शंस की बात की जाए तो फर्स्ट सेक्शन आया है और बाकी जो सेक्शन है वो आपको देखने को नहीं मिलने वाले तकरीबन एपिसोड की बात की जाए इस सीरीज के अंदर तकरीबन दस एपिसोड है और साथ ही साथ इसके प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो कार्यकारी निर्माता में आपको ली शोंग जिन साथ ही साथ स्टीव ये हो साथ ही साथ एली वॉन्स और जेक् रे रविनंदन अली रजी साथ ही साथ प्रोडक्शन की बात की जाए तो जे एंडरसन और सेवे मैथलिन इनमें यंग एलेक्स वॉन और मेल्यू मेडलिन साथ ही साथ सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर सिनेमाटोग्राफी एक नंबर आपको तो देखने को मिली थी और इसी के साथ लार्कि ने इसे संभाला था एडिटिंग की बात की जाए तो हेरी नू साथ ही साथ और लोरा पैम्प जॉर्डन की कार्यकारी एक तरह से इसके एपिसोडों की लेंथ की बात की जाए तो तकरीबन एक एपिसोड तीस से चालीस मिनट का है खैच कर पचास तक चल जाता है एक आधा एपिसोड बाकी तो सब इतनी ही लेंथ के हैं और प्रोडक्शन कंपनी ए ट्वेंटी फोर साथ ही साथ बागजी बेल प्रोडक्शन यूनिवर्स रिमोन साथ ही साथ ब्रूजी प्रोडक्शन और डोमा एरॉड प्रोडक्शन मुख्य रूप से ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है और ये आपको 6 अप्रैल 2030 को अपसल रूप से नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है वो माश छः अप्रैल दो को नेटफ्लिक्स पर जारी की गई थी नाव से प्रशंसा करने के बाद इन्होंने यू और वोंग के प्रदर्शन के साथ साथ लेखन उदर्शन सा की प्रशंसा रोड की रोडरेज की एक एक घटना धीरे धीरे इसमें शामिल होने वाले दो लोगों पर जाकर रुकती है इसके अंदर मुख्य कास्ट के अंदर आपको डेनी चो के रूप में स्टील येल और साथ ही साथ एक बदकिस्मत ठेकेदार और रोड रेज की घटनाओं में शामिल है एमी लाउन के साथ में अली बॉन्ग एक छोटी सहायक मालिक के रूप में आपको देखने को मिले सहायक भूमिका में जॉर्ज लाइन के रूप में जॉन फ्ली एमी के घर पर रहने वाले पति और मृतकार जो अपने दिव्यांग प्रसिद्ध कलाकार पिता की छा रहते हैं साथ ही साथ इस हार चौक के रूप में डेविन और डेनी का मजेदार लेकिन छोटा चेहरा भाई साथ ही साथ नामों के रूप में एसो पार्क डॉर्क के रूप में मारियो बेलन साथ ही साथ एडविंस के रूप में जिस एचमिन साथ ही साथ लाउस के रूप में का डॉल आपको देखने को नजर आया है एपिसोडों की बात की जाए तो इसके एपिसोड को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करकर फर्स्ट जो एपिसोड है वो आपको देखने को मिला था बर्स डोंट सिंग पेन साथ ही साथ इसका जो डायरेक्शन है वो किया था मुख्य रूप से हिकारी ने साथ ही साथ इसे लिखा था ली शोंग जीन ने साथ ही साथ 6 अप्रैल 2030 को ये आपको देखने को मिला था डेनी एक ठेकेदार है जो कि ग्राहकों को बनाने के लिए सिग करता है एमी को फोर्ट की पार्किंग में लगाकर कर हिट कर देता है और एक एक ग्राहक शुदा स्टोर जहाँ मिनी चे के मालिक जॉर्डन को अपनी अंतिम रूप दे रही है डैन प्रतिशोध में अमी एमी पीछा करती है साथ ही साथ इसके अंदर बताया जाता है मुख्य रूप से डैनी उनका पीछा करने के साथ साथ केवल एमी के लगभग उसे मार मार कर का जवाबी कार्रवाई देने के लिए डैनी अपने भाई और माता पिता से तनावग्रस्त है जिन्होंने अपने चचेरे भाई इस हाल के अवैध सामने में केस करने के लिए कारण अपना मोटल खोल दिया था और एमी को उनके पति जॉर्ज के प्रसिद्ध मूर्तिकार के बेटे उनकी साफ और बेटी जून द्वारा बहुत अधिक तनाव दिया गया और डेनी को एमी का पता उसके प्लेट नंबर से मिलता है वह बंदूक के साथ हस मैथ करती है साथ ही साथ इसी बाद बताया जाता है वह उसके घर में निस्ट करने में दिलचस्पी रखते हैं साथ ही साथ उसके टॉयलेट में पेशाब करते हैं साथ ही साथ एक उग्र एमी उसका पीछा करती है और उसे बेड नंबर प्राप्त करती है और इसके बाद में बात की जाए तो अगले एपिसोड का जिसका नाम था जिद होने का उस हिंदी में मैं इसका टाइटल आपको बता रहा हूँ साथ ही साथ इसे एक तरह से मुख्य रूप से डायरेक्ट किया है जैक शौर्य ने साथ ही साथ इसे लिखा है एलिस जोन है मुख्य रूप से ये भी आपको 6 अप्रैल 2023 को देखने को मिला इस एपिसोड के लिए सिर्फ पच्चीस से 30 मिनट थी डेनी को इस काल से अपने भाई पोल के नाम पर एक नया व्यवसाय शुरू करने का विचार आता है जबकि भाई एक पूर्व प्रेमी वॉरियन और उसके पिता एडविन से मिलने जाते हैं इस हाल के डैनी की सोच सूचना करता है लेकिन नहीं उसे ढूंढ रहे हैं और एम इंस्टाग्राम पर पोल कैप्चर करते हैं और एक गैली की उद्रम में जॉन उसे बिठ जाती है और एमी एमीड्रेन के ट्रैक तोड़फोड़ करती है जिसके बाद उसका पाल से झगड़ा हो जाता है एमी जॉन जॉन्ज के साथ कैप्सल थेरप के लिए रोज एक तरह से राज़ी हो जाती है साथ ही साथ एपिसोड नंबर टू जो है वो यहीं पर एंड होता है एपिसोड नंबर थ्री की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे तो दोस्तों बात की जाए इस सीरीज के बारे में तो ये आपको 6 अप्रैल 2030 को आपको ऑफिशियल रूप से नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली थी इसकी आई रेटिंग है वो 8.4 है और इसके साथ रेड टमाटो की जो रेटिंग है 9.6 है साथ ही साथ 96 गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है और ये एक तरह से कॉमेडी और एक्शन एक तरह से सीरीज है जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली थी इसके प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में हमने कई डिटेल आपको बता दी और तकरीबन 10 एपिसोड थे 10 के 10 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए तो दोस्तों अब हम जानते हैं इस मूवी के कैरेक्टर के बारे में जो कि बहुत ही मेन होता है यदि आपको इसके एक्सपो एक तरह से एक्सप्लेशन की वीडियो देखनी थी तो वो यहीं तक थी अब हम जानते हैं इस मूवी के एक तरह से फैक्ट और कास्टिंग के बारे में तो दोस्तों इस पर डिस्कशन करना चालू करते हैं आप वीडियो को लाइक कर दें तो मुख्य रूप से एपिसोड तीन में बताया जाता है एमी और जॉर्जियो के चिकित्सा में भाग लेती है लेकिन डेनी प्रतिशोध लेने की कोशिश करता है डैनी एडविन के चर्च जाता है और उसके इमारत के आसपास मरम्मत का, का काम करने के लिए आमंत्रित किया जाता है जोर्डन चर्च में जाता है और उसे इमारत के आसपास मरम्मत करने के लिए बोलता है साथ ही साथ इसी के साथ एक तनावपूर्ण बैठक के दौरान उसे पिछड़ ड़े में अकेला एक तरह से इंतज़ार करते हुए छोड़ देती है एमी मुख्य रूप से फोन पर पोल से खुलकर बात करती है एमी पोल की सामने स्वीकार करती है कि वह अवरुद्ध महसूस करती है लेकिन वे उसकी चिंताओं का समाधान नहीं करता और डेनी ओड उसके अस्वीकार कर दिया जाता है लेकिन इस आल और बैन को चर्च के नाम पर एक श्रेण लेने का विचार करता है टोडन एमी के टर्म सीट लेती है जिसमें एमी पांच और वर्ष तक चल रही है जिसमें वह हिचकिचाती है और पोल एमी को स्टोर पर दिखाते हैं और एक ही स्वीकार करती है कि वह उसे कैटफिलिश कर रही है लेकिन पोल उसे चुबन देता है तो दोस्तों ये जो एपिसोड है यहीं पर एंड होता है इसके बाद एपिसोड नंबर चार जी हाँ दोस्तों बस एक ही समय में उसकी नहीं हिकारी कार्य एक तरह से डायरेक्ट करते हुए नजर आए हैं और एक्लेस रेशन इसे लिखते हुए नजर आए ये भी आपको छ्रैल अप्रैल 2023 को देखने को मिली थी पोल और विवाद करने पर एमी ने खुलासा किया कि वह शादीशुदा है और एक व्यापारिक यात्रा में वो दिन के साथ रवाना होगी इस हाक डेनी और उसके द्वारा खरीदी गई निर्माण सामग्री दिखाता है और वह उन्हें उस ट्रैक पर लाद देता है पोनी फिर और इसाल के साथ पीने का नाटक करके वैंगस दाने के लिए डैनी को वैन चुराती है और जो दोनों शराब से बाहर निकलते हैं तो अगली सुबह जागते हैं डैनी ने नोटिस किया कि पोल के कई टैक्स संदेश उसे बता रहे थे कि वे अपना ट्रक ले गए हैं और डैनी और को वोंग से उसका शिकार करने की प्रेरित किया जाता है इसी बीच पोली एमिन के साथ उसके होटल के कमरे में मिलता है और वह रात पर भोजन और साथ ही साथ मस्ती का आनंद देते हैं हालांकि एमी पोल से कहती है कि वह एक तरह से नहीं हो सकती जब एमी सम्मेलन में प्रस्तुत रही होती है तो इस पर पोल को होटल मेरे स्थानीय में देखते हैं और एमी के कमरे में उसका पीछा करते हैं जहाँ पर डैनी उसका इस कार आक्रमण रूप से सामना करती है डैनी इस साल एमी को होटल से बाहर निकालते समय सम्मेलन वह देखती है और डैनी उसे रोड की घटना के बारे में पेश करता है और एक और पीछा करने के बाद डैनी और इसकी साइक को एम देखती है ग्लोबिन्स के रूप में पकड़ा जाता है इस तरह के आवगन गुप्त जीव हिखासे ने इसे डायरेक्ट किया है साथ ही साथ इसे लिखा है मेरी हॉन्टन जोर और निको गोरीवन ने यह आपको 6 अप्रैल 2023 को ओपल रूप से देखने को मिली थी पेंगास होटल में पकड़े जाने के परिणाम स्वरूप इस हाल अब अपराधों के अपने पूर्व इतिहास के नजरबंद है डेनी इस हाल से मिलने जाता है और एमी के प्रसिद्ध दिमगाज ससुर के बारे में बताता है वह एक उपन्यास के तहत जो से मित्रता करते हैं जो उन्हें अपने घर में बेसकीमती कलर चोरी करने में सक्षम बना सकता है हालांकि इस हाल उन घटनाओं के लिए उसकी आलोचना करता है जिसके बाद वह गिरफ्तार हुई साथ ही साथ डेनी मैक को बोल की मदद से अपनी योजना के बारे में आगे बढ़ाता है लेकिन जब जॉर्ज अपने अलगाव के बारे में उसे बताता है तो वह माइक और बोल को एक बॉल से अपराध बोल से बाहर निकालने के लिए कहती है डेनी ने जॉर्ज को अपनी बाथरूम में रिवाज के बारे में सूचित किया था और जोर्ज ने फैसला किया कि वह तब यह ठीक नहीं हो जाता जब तक उन्हें एक छुट्टी पर ना छोड़ दिया जाए और किराए पर लेना चाहते हैं ये मुख्य रूप से ये भी पता चलता है कि फोल व्य संकट में चल रही है और उसे एमी के शरण की आवश्यकता है बाद में एमी अपने घर लौटती है हालांकि वह छुट्टी के किरदार पर जज और जून में शामिल होने वाली फोल ने एमी को उसके घर पर घूमने के लिए कहा वह अंदर चली गई है जब वह आती है तो वह एक तरह से मिलते हैं लेकिन बार बार पोली ने सुझाव दिया कि वह उसे शुरू करने के लिए थोड़े से पैसे के बारे में आसानी से हासिल कर सकती है और जो एमी का उपनाम करता है और वह उसे बाहर फेंक देती हैं और नाउम और एमी की दोस्ती टूटने लगती है और नाउम और रोड रेस की घटना में एक एमी की भागीदारी के बारे में अपने संदेश को एक तरह से मुख्य रूप से खोने की प्रेरित करता है भी और मुख्य रूप से माइकल एमी के घर में घुस जाते हैं और जिसमें फूल छिपी हुई है और वह एमी की बंदूक से उनके उन्हें डराते हैं लेकिन लड़खड़ाए जाते हैं और सीढ़ी से नीचे गिर जाते हैं लेकिन बाद में पोली ने सुझाव दिया कि वह उसे शुरू करने के लिए थोड़े से पैसे के साथ आसानी से हासिल कर सकती है जो एमी का अपना करता है और वह उसे मुख्य रूप से बाहर फेंक देती है नामो और एमी की दोस्ती छूटने लगती है और जो नामो को रोड रेज की घटना में मम्मी की मुख्य रूप से भागीदारी के बारे में अपने संदेह को खोदने के लिए प्रेरित करती है और बॉर्बी और माइकल एमी के घर में घुस जाते हैं जिसमें मोर्फ छिपी हुई है वह एमी की बंदूक से उसे डराती है लेकिन लड़खड़ा जाती है और सीढ़ी से नीचे वो भी गिर जाती है लेकिन बाद में पुलिस सुझाव देता है उसे और बाहर से उसे बाहर फेंक देते हैं और ओमी एमी को दोस्त टूटने लगती है और ना वो और रोड की घटना में की भागीदारी से, से, से संदेश मिलता है और मुख्य रूप से एमी एमी की बंदूक से उसे एक तरह से डराते हुए नीचे गिर चुकी थी और इसके साथ गेंग पर एपिसोड एंड होते हुए दिखाया जाता है इसी के बाद दोस्तों एपिसोड नंबर छः जिसका नाम था हम एक जादू सर्कल बनाते हैं जी दोस्तों इसका डायरेक्शन किया है जैक सरे ने और इसे लिखा है जो लाउन केलो ने साथ ही साथ छः अप्रैल दो हजार तीस को ये ऑप्शन रूप से आपको देखने को मिला था इसमें बताया जाता है इस हाल चर्च में नवनीकृत कार्यों को चलाता है जहाँ चर्च बास्केटबॉल टूर्नामेंट के बारे में पता लगाने के लिए एक टीम के रूप में पॉल डैनी और माइक बोन में प्रवेश करता है पोली और डैन अपने रहने वाले कमरे में इंडोर मिनी बास्केटबॉल खेलने के लिए बंद गए हैं और डैनी पोल से अपनी एमी के साथ अपने ब्रेकअप के बारे में खुलासा करता है और बात करने की कोशिश करता है लेकिन पॉल बात बंद करता है और रोडेज की घटना और बॉलिफो मई माइकल की डकैती की शिकायत करता है साथ ही साथ संबंध के बारे में जानकारी देता है और ओमी एमी से मिलने जाती है उसके प्रस्ताव और एमी द्वारा विकल्प कर दिया जाता है और फूल को अतिरिक्त दर्द निवास दवा देती है ताकि वह बाहर निकला जा सके और बात ना कर सके एमी नाम उनको संदेह से निपटने के लिए रोलराइज की घटना उसकी पहचान करने के लिए उसे भुगतान करने के लिए एक सौदा का प्रस्ताव देने के लिए देनी से मिलती है लेकिन जब फुरफी नामों को समझाती है कि वह कोई संबंध नहीं है नामों ने जांच करना बंद कर दिया है उसके कारण एमिडेंस के साथ सौदा रद्द करती है लेकिन डेनी मुख्य रूप से हर में इस हाल को रोड रेज की घटना में लाल ट्रैक के चालक के रूप में पहचानने का फैसला करता है जिसे इस हाल की गिरफ्तारी हुई थी तो दोस्तों मैंने अब एपिसोड नंबर छः भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है साथ ही साथ अब हम बात करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर सात की मैं एक पिंजरा हूँ यानी हिंदी टाइटल में आपको बता रहा हूँ सबके धीरे धीरे कर कर इंग्लिश टाइटल में अभी कवर नहीं कर रहा हूँ जैक सारे द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है साथ ही साथ डी शुंग जीन और केवी रोशन द्वारा इसे लिखा गया है ये भी आपको अप्रैल को देखने को मिला था और एपिसोड आठ महीने बाद सेट किया गया और एम ने फोर्स्ट एन किया को अंतिम रूप दे दिया उसने और जॉर्ज ने एक छुट्टी पर घर खरीदा और जो उनकी देखभाल में मदद करने के लिए नानी को काम पर रखा वो चैज में की प्रशंसा नेता बन गई है और उसने अपने पति के लिए एक घर बनाया है एडविन समूह पर विपक्ष का हिस्सा बनने के लिए कहती है लेकिन डेनी किसी भी अवैध गतिविधि में इनकार कर देती है मुख्य रूप से जॉर्ज द्वारा मियाँ के साथ अपने भावनात्मक संबंध को स्वीकार करने के बाद एमी से युगल प्रोग्राम दस से उसकी शादी के बारे में संदेश स्वीकार किया जो डैनी को अपनी कला का जैस के बारे में पता चलता है और एक पार्टी में आमंत्रित करता है जहाँ वह एमी को कायल के रूप में पहचानता है और वह पोल के साथ उसके संबंध के बारे में बहस करने लगता है एमी जो उसको चलने के लिए कहती है और बोल के खाते के माध्यम से जाता है और साथ ही साथ डेनी जूट बोलता है कि एमी ने अपने झगड़े को आगे बढ़ाने के लिए पोली का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ दोस्तों ये जो एपिसोड है ये यहीं पर एंड हो जाता है दोस्तों आठवें एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं जैसा कि मैंने बताया कि ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है आठवें एपिसोड की स्टार्टिंग के अंदर बताया जाता है फ्लैग बेस में एमी के साथ एक रात का स्टैंड है जहाँ वे खुद को एक सफ़ेद चमड़ी और हुक नाक पानी महिला के रूप में देखती हैं और एक ऐसी आकृति जिसमें वे एक बच्चे के रूप में दुर्व्यवहार से जुड़ती हैं और फैमिली ने जोर से उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में बात करने की पेशकश की एमी अपने पृतत्व माता पिता से मिलने जाती है और एमी रोड रेज में प्रेरित झगड़े को जॉर्ज के साथ संबंध को स्वीकार करती है और फैसला करती है कि वह तलाक चाहती है और डेनी को अगलाजी के एमी और एडविन का शक है और बाद में वे घर में घुस जाते हैं और एक समीक्षा हाथापाई के बाद एडविन ने स्वीकार किया कि वे हेडी में ईश्वर करती हैं और उसे पता चलता है कि पत्रकारों का आदेश दे दे रहा है लेकिन आठ दिन करने वाले होने से इनकार करते हैं और डेनी को पता चलता है कि वे दूसपूर्ण वायरिंग के कारण आगे लगी है लेकिन पोल ने जूट बोला है और ये आग जानी है और डेनी जूज के बारे में बताता है और उन्हें आगे के लिए फ्रेम करने का इरादा रखता है और जॉर्ज के साथ विवाद में पड़ जाता है जिसे वह बेहोश हो गई है साथ ही साथ दोस्तों ये जो एपिसोड है वो यहीं पर एंड होता है एपिसोड नंबर नाइन की तरफ बढ़ते हैं ग्रोट फैब्रिक ये इसका डायरेक्शन किया है जैक है साथ, साथ ही साथ चिली का है ली चुन जीने ये मुख्य रूप से छ्रैल अप्रैल हजार को आपको देखने को मिला इस हाल को जेल से रिहा कर दिया जाता है और एमी ड्रोन की कुर्सी वापस मांगने के लिए जो डन जाती है लेकिन जॉर्ज को ये बताने के लिए एक ड्रोन ने जून का अपहरण कर लिया है डेनी जून को होटल वापस से आता है जहां वह इस हाल और उसके साथ मारपीट करता है और पैसे वापस मांगता है साथ ही साथ में बताओ जून के लिए एम्बर एम्ब्रर्ट मिलने पर इस हाल के लगभग 500 डॉलर की फरौती मांगता है साथ ही साथ छोड़ दोस्तों पाँच लाख डॉलर हैं पाँच लाख डॉलर की फरौती मांगता है एमी इसके बंदे उन्हें जॉर्डन के घर को लूटने की पेश करती है और माइकल और इस हाल ने जॉर्डन एमो और एमी को विरोहित किया है और एमी डेन और पोल पर डेती डालने की पेशकश करती है साथ ही साथ नाओ और जोर्डन पोन के रूप में भागने की कोशिश करती है लेकिन नामों गलती से जोर्डन को दरवाजे से मार देती है जैसे कि सुरक्षा व्यवस्था में गैस घर में डाली जाती है एमी जोस जो उसको बुलाती है और दैन पोल को एक बगीचे की दीवार पर भागने के लिए मना कर देती है क्योंकि पुलिस दूसरों के साथ गोलाबारी करती है माइकल मारा जाता है और इस हाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस एमी को बताती है कि जोर्जुन को उसके बिना घर ले गए डेनी एक नाले के माध्यम से जोर्डन के घर जाता है और एमी को पता चलता है कि जोर्ज को आपातकालीन हिरासत में ले लिया गया है और डेनी चोर के वाहन में भाग जाता है और एमी और सड़क के किनारे नीचे जाने का सामना करने पर डेनी ने उतार दिया और एमी ने उसका पीछा किया और जिसके परिणामस्वरूप तो उन दोनों ने एक चट्टान को गिरा दिया तो दोस्तों ये था हमारा नवा एपिसोड अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे दसवें एपिसोड को जी हम दोस्तों उसको डिस्कशन करने जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दे साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेलाइकन दबाकर इसे आलपस एड कर दें दे। ताकि हमारे जितनी भी वीडियो हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके साथ ही साथ आपको और भी किसी सीरीज की एक्सप्लेनेशन जाननी हो चाहे वो हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगु कन्नड़ कोई सी भी लैंग्वेज की हो चाहे कोई से भी कंट्री की हो चाहे हिंदी की हो इंग्लिश तमिल तेलुगु कन्नड़ चाहे नाइनटीन की हो चाहे दो में रिलीज होने वाली उन सभी की अपडेट वीडियो साथ ही साथ फैक्ट की वीडियो हमारे चैनल पर हम प्रोवाइड कराते रहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स पर आकर जिस भी सीरीज की आपको एक्सप्लेशन जानी हो सीरीज का नाम लिख दे साथ ही साथ उसके सेक्शन हो तो सेक्शन लिख दे हम उस पर कन्फर्म वीडियो लाने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों आप में से कई लोगों ने कमेंट भी किया था और साथ ही साथ ये नेटफ्लिक्स पर अभी हाल ही में छः तारीख को रिलीज हुए है इसलिए इस पर भी हमने वीडियो ला दी है और अब तक हमने तकरीबन इसके नौ एपिसोड को कवर कर लिया है साथ ही साथ अब दसवा एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं दसवा एपिसोड हमें देखने को मिला था प्रकाश के आंकड़े ली सुंग जी ने से तरह से किया है और इसे लिखा भी इन्होंने ये भी आपको छः अप्रैल दो हजार तेईस को देखने को मिला था ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एमी और डेन चट्टान पर एक दूसरे पर हमला करते हैं लेकिन आंशिक से एक दूसरे पर भरोसा करती है जब उन्हें पता चलता है कि वे दोनों घायल हैं और विनी सेलफोन से रिस्पेल में फंसी हुई है और एमी डोन को भोजन के लिए मजबूर करती है जिसके कारण वह जहरीली बैड बॉयज का सेवन करती है मातभ के माध्यम से वह एक दूसरे पर विश्वास करते हैं लेकिन उसकी अपनी उदासी के बारे में समझ पाते अंत में दोनों ने रिफ्रैक्स ठीक करने के लिए समझ किया और एक सुरंग के लिए अपना रास्ता बनाने और जहां पर एडी और जेल के समय में बचे बचने में मदद करने में बहस करता है और वह कृपया मन मान जाती है और यह कहते हुए कि वह कुछ भी होता है तो उसे निपटेगे हालांकि जैसे ही वे सुरंग के अंत तक पहुँचते हैं तो जॉर्ज दिखाई दिया और डेनी को गोली मार दी और जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया बाद में अस्पताल में एमी और डेन के साथ बैठकर अपने दिन बिताते हुए दिखाया जाता है और जो ये सीरीज है और जो ये एपिसोड है दोनों यहीं पर एंड होते हैं क्योंकि ये एक मिनी सीरीज है इसलिए इसका एंड आपको यहीं देखने को मिलेगा कंफर्म है इसका कि सेक्शन टू या थ्री को अभी सेक्शन आपको देखने को नहीं मिलने वाला क्योंकि ये एक मिनी सीरीज थी तो दोस्तों पूरी की पूरी सीरीज़ के जितने भी एपिसोड थे दस के दस एपिसोड मैंने आपको एक्सप्लेन किए शॉर्टली एक्सप्लेन किए और साथ ही साथ यदि आपको एक एक पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जिस एपिसोड पर चाहिए उस पर लिख दीजिए हम कन्फर्म उस पर एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों अब बात आती है प्रोडक्शन की एक प्रोडक्शन इस एक तरह से सीरीज़ जो में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है तो इसके बारे में जानते हैं ली सॉन्ग जी द्वारा बनाई गई और स्टिंग ये हो और लीन बोन को स्टार करने के लिए तैयार की गई परियोजना की पहली बार दो में घोषणा की गई जिसमें श्रृंखला अधिकारी पर बोल बोली लगाने की लड़ाई हो रही थी नेटवर्क अंततः अधिकार जीत गई दिसंबर में ली बायजन चूंग को पायलट प्रकरण का निर्सन करने की सूची मिली और मार्च 2022 में अतिरिक्त कास्टिंग की घोषणा की गई जिसमें डेविन चोर्स और पार्टी यूथ शामिल थे और इसके बजाय पायलट एपिसोड को जापान ने निशान हिकारी द्वारा निशान किया गया और इन्हें कई अतिरिक्त एपिसोड निशान करने की भी पुष्टि की फिल्मांकन अप्रैल 2022 तक शुरू हो गया और साथ ही साथ ली ह्यूंग जिन ने सोल को तीन सीरीज तक चलने की योजना बनाई थी इस कहानी को जारी रखने के लिए अपने पास बहुत सारे विचार हैं मुझे लगता है कि मुख्य रूप से हमें सीजन दो पर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और डैन ने एमी के पास जारी रखने के बहुत सारे तरीके हैं और मेरे पास वास्तव में एक बड़ा सामान्य विचार है और मैं वास्तव में अभी तक नहीं कह सकता लेकिन मेरे दिमाग में वर्तमान में तीन सीजन मैप किए गए हैं लेकिन फिर एक ही सीजन लाया गया और मिनी सीरीज इसे बना दी गई और साथ ही साथ दोस्तों इसके बारे में बात की जाए तो ब्रीफ का प्रीमियम 2030 में एस एक्स एस डेब्यू फेस्टिवल में 18 मार्च 2030 को हुआ इसका प्रीमियम आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला 6 अप्रैल 2030 को जी हाँ दोस्तों ऑफिस रूप से डबिंग सारी लैंग्वेजों में की गई है और समीक्षा एग वेबसाइट टमेटोज पर सेवेंटी थ्री समीक्षाओं पर हंड्रेड परसेंट सकारात्मक रेटिंग मिली है जिसमें औचतम दस में से 85 फाइव यानी एट पॉइंट फाइव परसेंट है और वेबसाइट की आम सहमति पीड़ित है और ऑन एलिटीन यू ब्रीफ में विरोधी के एक शैतानी रूप में देखने की योग्य जोड़ी है और एक प्रमुख कट कॉमेडी है और मारी है नेटक्रिप्ट जो कि एक बार भारतीय पर उपयोग करता है और तीस आलोचनाओं के आधार पर हंड्रेड में से 88 एट परसेंट स्कोर दिया है उस और भूमिक प्रस्ताव प्रदान किया है तो दोस्तों इससे सीरीज के बारे में जितनी भी डिटेल हमने प्रोवाइड कराई वो बहुत ही बढ़िया थी उस साथ ही साथ प्रोडक्शन के बारे में भी हमने बात कर ली और साथ ही साथ रिलीजिंग कास्टिंग के बारे में सारी चीज़ें हमने कवर कर ली तो अब आ है इस मूवी के कास्टिंग और डायरेक्टर प्रोडक्शन के बारे में जानने की मुख्य रूप से इसके अंदर आपको अभिनेता देखने को मिले थे सबसे सब पहले मैं आपको बता दूँ स्टील ये ऊ जी हाँ स्टील ये के बारे में जानते हैं साथ ही साथ प्रोडक्शन को भी हम कवर करें कि इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं उन सभी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं स्टील ये इन्हें स्टीन येहू के नाम से जाना जाता है इनका जन्म 21 दिसंबर उन्नीस सौ को यू सोंग यूरोप कोरिया में हुआ और साथ ही साथ ये एक कोरियन और अमेरिकन दोनों ही टेलीविजन श्रृंखला द विंक डेट 2010 से 2016 में ये आपको देखने को नजर आए साथ ही साथ इनकी परफॉर्मेंस गैलिन की भूमिकाओं में निभाते हुए नजर आए साथ ही साथ इन्होंने थ्रिलर बार्निंग 2018 और ड्रामा मीनारी 2020 में अभिनय के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की उत्तराद ने उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए एक आदमिक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया साथ ही साथ इन्होंने थ्रिलर बॉर्निंग 2018 और ड्रामा मिनारी 2020 में अभिनय किया, सात किया और आलोचना प्रशंसा अर्जित की साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म इकतीस दिसंबर उन्नीस सौ तिरासी को हुआ आज इनकी उम्र तकरीबन चालीस साल है यू सॉन्ग योप में इनका जन्म हुआ साथ ही साथ ये मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं साथ ही साथ ये मुख्य रूप से एक अभिनेता तो है इस इंडस्ट्री में इन्होंने अपने करियर की स्टार्टअप 2004 से वर्तमान तक की है साथ ही साथ ये जाने जाते हैं यू ओगजा दो हजार सत्रह सारी टू बर्थ यू दो हज़ार अट्ठारह द हनुमान दो हजार इक्कीस साथ ही साथ नोप दो हजार बाईस साथ ही साथ इसी के साथ कई मूवीज में अपने रिकॉर्ड तोड़ कमाई का रिकॉर्ड बनाया है साथ ही साथ नोप दो हजार बाईस में दिखाई दिए हैं और इसी के साथ यह आपको ब्रीफ दो हजार तीस में भी अभी नहीं करते हुए दिखाई दिए इन्होंने वॉल्टोन लीजेंड डिफेंस दो हजार सोलह से अट्ठारह में टेंस ऑफ ऑगियंस दो हज़ार सोलह से इक्कीस तक और स्टेंज मार्गस्टीन और इफेक्स फाइडर्स सत्रह से अट्ठारह के बीच में और मैनल स्पेस दो हज़ार से इक्कीस जैसी टेलीविजन श्रृंखलाओं में मुख्य पात्रों को आवाज़ दी है तुर्का औरबॉर्टी दो हज़ार उन्नीस से बाईस और अजय दो हज़ार इक्कीस से वर्तमान तक स्टार्टिंग के बारे में बात की जाए तो यू का जन्म सियोल्स में 21 दिसंबर उन्नीस सौ तिरासी को जेई ओ जूनियल के घर हुआ उनके पिता उन्नीस सौ अट्ठासी में अपने परिवार को कनाडा ले जाने के लिए दक्षिण कोरिया में एक वास्तुकार थे जहां वे रेजियन इसके में रहते हैं रेजियन में उन्होंने रोम एम एक वालमिट स्कूल में, में पढ़ाई की उनका एक छोटा भाई भी है तो दोस्तों अब हम इनके बारे में थोड़ी और डिटेल बताया तो का पालन पोषण एक ईराश से तयों के घर में हुआ उनके माता पिता डैटोन के सौंदर्य आपूर्ति स्टोर के मालिक हैं और उनका उसी नाम के एक डॉक्टर के नाम से भी उन्हें जाना जाता स्टील बुनाते हैं और उन्हें 2005 में कला मांडू कॉलेज ऑफ न्यूरो में एक अग्रस्त के अंदर उनका एडमिशन कराया गया साथ ही साथ वो इसके अंदर अपने आपको बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे और यून का एक तरह से ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था लेकिन फिर भी और इसके साथ इस पर शिकांगो ले जाने के बाद वह दूसरे शहर में चले गए जहां पर यून ने अपने माता पिता को बताया कि उन्होंने लो स्कूल या मेडिकल स्कूल में दाखिला लेने के बजाय शिकांगो में एक कम चाओ करियर बनाने की योजना बनाई है उनके माता पिता इस फैसले को नाखुश थे लेकिन फिर भी उन्होंने एक समर्थन किया और उनके अभिनय करने के लिए दो साल का समय दिया और वह अपने भाई के साथ शहर लिकांगो शहर में रहते हुए 2005 में शिकांगो चले गए स्नातक स्तर की पढ़ाई करने के कुछ ही साल बाद वे स्टिंग पाइटन नेट में शामिल हो गए और शिकांगो स्थित एक एशिया अमेरिकन स्केल कॉमेडी मेडली समूह के अन्य पूर्व छात्रों में डेनल फूड शामिल थे जिन्हें समुदाय में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता था जब दूसरे शहर में शामिल हो गए तो अक्टूबर 2009 में लॉस एंजलिस जाने से पहले शिकांगो मुख्य रूप से वो चले गए यूनिकी ब्रेक आउट भूमिका दर्क डेट पर ग्लेनरी अपनी भूमिका थी साथ ही साथ जो इसे मुख्य रूप से तो दोस्तों इसी के साथ बात की जाए तो इनके बारे में और तो मुख्य रूप से अट्ठारह वर्ष से उन्नीस साल के है। अगर शिक्षित रहे और संगला को पेश कर टी वी समीक्षाओं में ज़्यादातर सका। सकारात्मक समीक्षा है यू ने सीजन सेवन के लिए प्रीमियम के बाद दो हज़ार सो सोलह में शो छोड़ दिया फ़िल्मों के बारे में बात की जाए तो मार्च दो हज़ार सोलह में यून को जो लिंत की एक्शन हर फिल्म माहल में कास्टिंग की गई जिसके अंदर इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक था ये फिल्म दस नवंबर दो हज़ार सत्रह को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई अप्रैल 2016 में ये ओ और बॉक को एक्शन एडवेंचर फिल्म ओप में कास्टिंग की गई फिल्म ने 2017 में स्क्रीन अवार्ड अपने नाम किया मुख्य प्रतियोगी खंड में मोड डी और इसके साथ प्रति किया और ये अट्ठाईस जून दो को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेलाइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर

बौ की आवाज़ भी दी साथ ही साथ यून ने रेल के डार्क कॉमेडी सॉरी टू बर्थ यू में साया भी ने किया लेकिन स्टॉलफिड ने आर्मी हैमर और टेसा थॉमसन के साथ जो 6 जुलाई 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म का प्रीमियम मुंबई में हुआ था जनवरी 2018 में सन फिल्म फेस्टिवल फिल्म में दो हजार उन्नीस की नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू में टॉप टेन इट फिल्म अवार्ड जीता साथ ही साथ इसने दो हज़ार उन्नीस की स्पीड स्प्रिंग अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ स्कीपराइटिंग अवार्ड साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ पहली फीचर फिल्म अवार्ड अपने नाम करते हुए नजर आए दो हज़ार अट्ठारह के अंत में यून ने ली चोंग डॉर दौर द्वारा निश्चिक दक्षिण कोरिया मिस्ट्रिक ड्रामा फिल्म के अंदर अपना डायरेक्शन दिया और बानी में बैन की भूमिका निभाई फिल्म को पहली बार दो हज़ार अठारह में फेस्टिवल में प्रदर्शन किया गया और फिल्म में उन्होंने प्रदर्शन की सराहना की गई ने दो हजार अट्ठारह में लॉस एंजल्स की फिल्म क्रिप्ट एसोसिएशन अवार्ड और टोरिंग फिल्म में अपना कास्टिंग सर्क अवार्ड दो हजार अट्ठारह अपने नाम किया दो हजार अठारह के नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सबसे सहयोग अभिनेता का पुरस्कार अपने नाम किया दो हजार बीस में यूनि इंस हॉग चुंग ने ए दो तो में चौबीस से नाटक मीनारी में अभिनय किया कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया जिसमें यू यू जोंग और हान ये री और एलन किन और साथ ही साथ विल पैल्टन और स्कॉट हैज भी शामिल है साथ ही साथ फिल्म अरकाम्स में कोरियन प्रसाव परिवार के किसान बनने के बारे में है शून्य अपने अभिनय में अपने प्रभाव से अनुभव को शामिल किया फिल्म का विश्व प्रीमियम जून 2020 को सनराउन फिल्म फेस्टिवल में दूसरी से पुरस्कार जीता जून को सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए एकादमिक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया वह एक प्रमुख भूमिकाओं में एक पुरुष के अभिनय द्वारा उत्कृष्ट प्रदान के लिए स्क्रीन स्क्रै ग नामांकित होने वाले पहले एशियो अमेरिकन अभिनेता बने 2021 में इन्होंने मुख्य रूप से इंक्लूड इन द टाइम हंड्रेड टाइम्स ऑफ एनुअल लिस्ट ऑफ द हंड्रेड में शामिल हुए 2022 में उन्होंने जॉर्ड की साइन फीचर हॉरन फिल्म नॉप में डेलिन कॉल्पुन और केन हामर के साथ जैसे अभिनय किया काल्पुन थीम पार्क जुपिटर क्लेम्स में मालिक रिंगजू पार्क के रूप में दिखे साथ ही साथ 26 जुलाई दो को फिल्म होने वाली मार्बल सिनेमेटिक यूनिवर्स की सेट की गई एक महत्वपूर्ण भूमिकाओं में ये ने थंड बॉल्ट के कलाकारों में शामिल हो गए और अन्य टेलीविजन कार्यक्रम यू एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला और फिल्म दोनों में आवाज़ में अभिनय करती हैं इसमें कुछ भूमिकाओं में द लेजेंड ऑफ कोर्स के दूसरे सीजन में अवतार और टोटन और थ्री बोल्स में स्टीम वेलटन और बोल की कित लीजेंट डिफेंस ऑफ स्टेन पार्क में नाथन पार्क और फैंस स्पेन में तुर्क और बेटी में बंधेबाजी की बाद में यह पता चला कि स्टीन पालकुल के चुन रूप में यून की भूमिका विजोड़ में जारी रहेगी और टेल्स ऑफ मार्केटिंग येन इनकी तीसरा श्रृंखला है बोल्स का पहला सीजन इक्कीस 20. दिसंबर दो को नेटफ्लिक्स पर जारी किया गया और दूसरा और तीसरा सीजन 12 जुलाई दो को जारी किया गया 2018 के अंत में जॉर्डन पिल्स के द ट्विटलाइट जोन के अनुद्वार के एक एपिसोड में येन ने मुख्य भूमिका निभाई साथ ही साथ अजय में शीर्षक नायक मार ग्रेस की आवाज़ देते हैं जोरो क्रिकमैन की कॉमिक बुक को संगला को करती है जो मार्च दो हज़ार इक्कीस में अमेजॉन प्राइम पर जारी की गई नेटफ्लिक्स के थ्रिलर ड्रामा सीरीज ब्रिक में वोंग के साथ येन सितारे हैं यूस ने तीन दिसंबर 2016 को फोटोग्राफी में जो आन पार्क में शादी की वह लॉब्स एजियस में रहते हैं और उनके दो बच्चे हैं और वह ड्रेड पिस्ट के लंबे समय में पेशकश है और ड्रेफ रेड विंग्स और 2020 के अमेरिकन चुनाव में राष्ट्रपति के लिए यंग में समर्थक है फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इनकी फिल्मोग्राफी मुख्य रूप से 2009 में द केरियन दरियन फिल्म और साथ ही साथ नेम मिस थे के अंदर देखने को मिली साथ ही साथ 2010 में कैरिप मिनरॉन साथ ही साथ सेल साथ दो हजार चौदह में आई ग्रीन साथ ही साथ दो हजार पंद्रह में लाइक ए फ्रेश फ्रेशम पोकेज और मैनियन साथ ही साथ द सॉरी ऑफ द यू और ब्रिंग साथ ही साथ ही साथ दो हजार बीस में मिनेरी साथ ही साथ स्पेस जेम्स एन न्यू लीगेंड में आपको देखने को मिली साथ ही साथ दो हजार इक्कीस में थोड़ोरियल सीरीज ऑफ द द हेम्स साधे सात दो हज़ार बाईस में नेपी और मैकली दो हजार सत्रह साथ आपको अपकमिंग मूवी लव मी में आपको देखने को मिलने वाले हैं टेलीविजन सीरीज दो हजार दस में द बिग बैंग थ्रोरी में देखने को मिलने वाला है दो हज़ार दस से दो हज़ार सोलह में द डेड साथ ही साथ ऑफ ऑर्डर ले, ले। दो हज़ार इक्कीस में वेयरहाउस दो हजार तेरह हार्ट डेट इट लुक दो हज़ार बारह में द लिगेंट ऑफ कोरा साथ ही साथ अमेरिकन दादा में आपको देखने को मिलने वाला है साथ ही साथ इन्वेस्टिबल साथ ही साथ दो की टेलीविजन सीरीज विप में आपको देखने को मिले हैं म्यूजिक वीडियो 2016 में फायर साथ ही साथ वीडियो गेम्स ग्रेसिस और ग्रेसिस वार हेड दोनों के अंदर अपनी वॉइस ओवर देते हुए नजर आए हैं दो हजार इक्कीस में सेचर अवार्ड और स्टे लाइट अवार्ड अपने नाम किया है 2012 में साथ ही साथ ब्रोकली और फिल्म फेस्टिवल में अपना अवार्ड जीता साथ ही साथ इसी के साथ बुल फिल्म अवार्ड और चैंगिंग फिल्म केरियन ऑस्कर अवार्ड साथ ही साथ ग्रैंड बिल अवार्ड कई अपने अवार्ड्स के लिए जाने जा चुके हैं साथ ही साथ अब तक इन्होंने करियर में लगभग 50 से भी ज़्यादा अवार्ड अपने नाम किए हैं तो दोस्तों इनके बारे में जितनी भी डिटेल हो सकती थी मैंने आपको बताई भर भर के डिटेल बताई साथ ही साथ कई नई अपडेट बताई इनकी मूवीज़ के बारे में कब तक आपको नई मूवीज इनकी देखने को मिलने वाली हैं अब बात करते हैं एली बोंग्स के बारे में जो कि इस मूवी के अंदर आपको मैं इन कैरेक्टर के अंदर देखने को नजर आई थी इन्हें जाना जाता है एलजैंड डॉन के नाम से इनका जन्म 19 अप्रैल उन्नीस को एक अमेरिकन स्टेप ऑफ कॉमेडियन के अभिनेत्री में हुआ था वे अपने नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल बेबी कोबर 2016 हार्ड नॉन वाइल्ड 2018 और डॉन वोंग 2022 के लिए जानी जाती है उन्होंने फिल्म ऑलवेज बी बाई हो सकती है 2019 हज़ार उन्नीस में किया जिस पर उन्होंने एक लेखन और निर्माता के रूप में भी काम किया इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म इलेक्जेंड डॉन वोंग के नाम से इन्हें जाना जाता है जन्म इनका लगभग उन्नीस अप्रैल उन्नीस सौ बयासी को हुआ तकरीबन आज इनकी उम्र चालीस साल है कैलिफोर्निया यूएसए में हुआ मुख्य रूप से ये एक कॉमेडियन एक से एक्टर है साथ ही साथ एक कैरेक्टर भी है साथ ही साथ बस इस इंडस्ट्री में इनका दो हज़ार पाँच से रहा और अब तक ये बुलंदी हासिल किए जा रहे हैं इन्होंने शादी की दो हजार चौदह में और दो हजार बाईस पर तलाक ले लिया जेस्टिन बोलगर्ट वे बी सी शो अमेरिकन हाउस वाइफ में भी एक कास्टिंग मेम्बर है और इससे पहले इनसाइड एमी शुगर और ब्लैक बॉक्स आर यू देयर चेल्सी और वह स्टीम ऑफ द बैटो में पहले तीन सीजन के लिए एक तरह से लिखा है थी और वह एनिमेटेड शंगलाउंग पर एनिमेटेड शंगला तुर्क और बोटी और एली पर प्रशीर्षक चित्र रोबर्ट बॉर्टिन और सोरगेस की आवाज़ देती हैं उन्होंने टाइम के 2020 के हंड्रेड सबसे साली एक तरह से कैरेक्टर ब्यूटीफुल में अपना नामांकन हासिल किया साथ ही साथ इन्होंने मुख्य रूप से एलजेन डोंगफोंग वोंग का जन्म 19 अप्रैल उन्नीस सौ बयासी को कैलिफोर्निया के सेंसिया हाइडोन पोर्ट्स में हुआ है चार बच्चों में सबसे छोटी उनकी माँ वेन नामी माँ टेम चेम योंग उन्नीस सौ साठ में हो से अमेरिका में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए स्थानांतरित हुई इनके चीनी चीनी अमेरिकन पिता डोल्फन योंग इनके तकरीबन कैंसर पैराउंड के लिए तीस वर्ष तक काम किया साथ ही साथ दो हज़ार में वेंगसोन ने सेंस फोर्सन यूनिवर्सिटी ऑफ हाई स्कूल में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की साथ ही साथ इसके साथ ही ग्रेजुएशन भी इन्होंने अपनी कंप्लीट की और सबसे बड़ी और सबसे पुरानी थिएटर कंपनी के सदस्य के रूप में प्रदर्शन करने के अपने प्यार पर पाई गई और एशियन अमेरिका कोलियर थिएटर कंपनी इन्होंने गर्मियों में यू के पूर्व छात्रों से समर फेशियल कैंप में द लाइ ऑफ द गोल्ड बियर में काम किया अपने एक तरह से कनिष्ठ वर्षों के दौरान उसे हॉर्न्स में समय बिताया और उन्होंने सेमियस से साउंड स्नातक की उपलब्धि प्राप्त दो हजार पाँच में एशिया में अमेरिकन अध्यक्ष में बी ए के लिए जाने जाती है कॉलेज के बाद उन्होंने फुल ग्राउंड कार्यक्रम के माध्यम से विनतम में अध्ययन किया साथ ही साथ इनके बारे में बेसिक डिटेल की बात की जाए कॉलेज में स्नातक होने के बाद पहली बार तीस साल की उम्र में स्टेज कप कॉमेडी की कोशिश की वह जल्द ही कॉमेडी करने के लिए न्यूयॉर्क शहर चली गई और रात में नौ बार प्रदर्शन करने लगी 2011 में बराइट में उन्होंने दस कॉमिक टू वॉच में एक नाम दिया और इसी के साथ साथ उनका स्ट्रगल इसी से चालू होगा मदर्स डे दो हजार सोलह पर इन्होंने नेटफ्लिक्स पर बेबी कोम्बर नामक एक स्टेज ऑफ स्पेशल जारी किया विशेष सितंबर 2015 में फिल्माया गया था जो वोंग अपने पहले बच्चे के साथ पेंच थेटर में सात महीने की गर्भवती थी न्यूयॉर्क मोर्क नेटफ्लिक्स पर स्पेशल का आगमन एक तरह से स्टार बनने वाले क्षण का है जो सबसे वांछित प्रशासन संवाद में एकजुट करते हैं ग्यारह सितंबर 2016 को वॉक्स ने अपने ओपनिंग से सेरामनी के शो के न्यूयॉर्क फैस किंग के दौरान बात की और रतने में चले गए साथ ही साथ तेरह मई दो को वॉन्स का, का दूसरा नेटफ्लिक्स स्पेस हाइनो कोबाइल जारी किया गया इसे सितंबर दो के अंत में टॉर विट थिएटर में फिल्माया गया जब वह अपने दूसरे बच्चे के साथ सात महीने में गर्भवती थी साथ ही साथ वॉन्स ने दो हजार अठारह की नेटफ्लिक्स फिल्म ओवेज में भी माई हो सकती है नारकुन खान द्वारा निर्देशित थी दो हजार उन्नीस से दो हज़ार बाईस तक वॉन्ग ने नेटफ्लिक्स एनिमेटेड सीरकोट त्रुग एडी ब्रॉन्ड में बैटी की आवाज दी साथ ही साथ पंद्रह अक्टूबर दो हजार उन्नीस को वॉन्ग ने डियर गर्ल्स और इंटरटेल्स और सेक ऑफ एंटोन वॉल्स में बेस्टी फाइल्स नामक एक पुस्तक प्रकाशित की इन्होंने अपने बेटियों के व्यस्त होने के बारे में बताया साथ ही साथ फरवरी दो हजार बीस में अपनी तीसरी नेटफ्लिक्स स्टैंड में अप वोंग में स्पेस जारी की गई दो हजार तीस में नेटफ्लिक्स ड्रामा कॉमेडी सीरीज ब्रिप मेस्टिंग ये इनके साथ ऐसे अब किया और उन्होंने ये ऊ के साथ कार्यकारी निर्माता के रूप में श्रेय दिया इनके प्रारंभिक स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो वेंग ने 2010 में अपनी परस्पर मित्रों की शादी में एक अभिषेके केनू के बेटे वादजीत हुक से मुलाकात की उन्होंने 2014 में शादी की उनकी दो बेटियां हैं और अप्रैल 2022 में बैंक की हुल्क से घोषणा की कि उन्होंने फरवरी 2020 में डोंग स्टेंस से अपने स्पेस रिलीज होने के तुरंत बाद तलाक लेने की अर्जी दी है साथ ही रात बाद में दो हजार बाईस में वें 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 ने बिल हैदर की दो महीने के लिए डेट की साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इन्होंने अपने करियर के अंदर कई एक दस्य फिल्मों में काम किया दो हज़ार ग्यारह में इन्होंने सबसे पहली इनकी जो फिल्म आई वो थी ब्रेकिंग इन और साथ ही साथ दो हज़ार बारह में आर यू देयर चिल साथ ही साथ ही साथ दो हज़ार तेरह में डेरबी विथ आई डॉट साथ ही साथ दो हज़ार चौदह में ब्लैक बॉक्स और इनसाइड एमी स्कोट साथ ही साथ जो जैक हॉर्मैन साथ ही साथ एनिमल्स इसी के साथ इन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज पेपर गर्ल और दूजरतीस में ब्रीफ के अंदर अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी है साथ ही साथ इन्होंने कई अवार्ड्स अपने नाम किए हैं और इसी के साथ आखिरी में रूपल्स ड्राइंगज अनलॉक सीरीज में आपको देखने को नज़र आई टेलीविजन सीरीज जी हाँ दोस्तों इनके बारे में भी जितनी भी डिटेल हो सकती थी मैंने आपको बताई अब हम बात करते हैं इस मूवी के अगले एक तरह से सीरीज़ के अगले कैरेक्टर के बारे में डेविड चो के बारे में इनका जन्म 21 अप्रैल उन्नीस को एक अमेरिकन कलाकार संगीतकार अभिनेता और लॉस एजियस के पूर्व पत्रकार पोक्साइड हॉट में हुआ जो उनका काम विभिन्न प्रकार की सारी संस्कृति और परियोजनाओं के संदर्भ में दिखाई देता था उन्होंने अशहर रेंगन और बायस सहित पत्रकारियों के कारण चित्रण और लेखन किया और उनका एशियन पॉप कलर्स स्टोन एप मैगजीन टायर रॉबर्ट के साथ एक सत्ता संबंध है जनवरी में इक्कीस अप्रैल उन्नीस छियासी को इनकी उम्र तकरीबन बयासी साल हो गई इस हिसाब से इन्होंने अपना जन्म एक तरह से इनका जन्म हुआ अमेरिका की एक तरह से ये नागरिक है लेकिन इनका जन्म कैलिफोर्निया यू एस में हुआ और साथ ही साथ अमेरिकन यानी एक तरह से वहीं के नागरिक है कैलिफोर्निया के अमेरिका के साथ ही साथ मुख्य रूप से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के कैलिफोर्निया कॉलेज से ली उनकी अलकारिक पोर्ट और इच्छा गिरावट और उत्साह के साथ विषय पर पता लगाती है कि कच्ची उन्नत प्रदर्शन की विशेष और उन्हें उनकी गंदी शैली कही और साथ ही स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो चौका जन्म लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हुआ उनके माता पिता को कुरियन प्रेसाविक और फिर से जन्म लेने वाले ईसाई हैं उन्होंने अपना बचपन कोरियन में लॉस एंजल्स में बिताया वे अपने किशोरावस्था में भी सड़कों पर स्प्रिंग पेंटिंग करते थे साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो उन्नीस सौ में छो ने स्पोल जेम्स नामक एक ग्राफिक उपन्यास टूब प्रकाशित किया वह दावा करते हैं कि उनसे उस, उसे केवल 200 सौ प्रांतीय बनाई हैं और उन्हें उन्नीस सौ अट्ठासी में कॉल्फकोन्स में दिया गया एक प्रकाशन की रूचि की उम्मीद उन्नीस सौ निन्यानवे में, में उन्होंने जोरेट ग्राउड के लिए इस्पोल स्प्रिंग इस प्रस्तुत की और एक हजार के दूसरे विस्तार संस्करण को स्वयं प्रकाशित करने के लिए पाँच हजार से सम्मानित किया गया साथ ही साथ उन्नीस सौ निन्यानवे में चार डॉलर के कवर मूल के साथ सामने आए साथ ही साथ उन्होंने हॉलीवुड मैड हेड क्लैप्स ऑफ फेसबुक के लिए स्थानियों की पीठी परियोजनाओं को स्वीकार किया और सैन जोसन में सैनिक कैलिफोर्निया में कई एकल शो के बाद उन्होंने दो हजार में समकालीन कला के सांत रोज संग्रहालय में एकल प्रदर्शन की पेश की गई चेल्सी में जोन थन लैनविक्स और उन्होंने 2008 में उन्होंने अपनी पहली यूके एकल प्रदर्शन लंदन और यूरोप के दोनों जगह पर लाजेंड गैलियस में एक साथ लगाई साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो दो तेरह में चौस ने वेस्ट फिल्म स्टार आस और एकिन के साथ डेविड डीएस नामक एक ऑनलाइन जीवन शैली का मनोरंजन कोस्टिंग की साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में 2005 तो में इंटरनेट उदी और शोर में एक लंबे समय से प्रकाशित हुई और उन्होंने फेसबुक के पहले स्क्रीनकॉन वैल्यू कार्यक्रम यूटीएन में ग्राफिक वित्तीय चित्र बनाने के लिए कहा फेसबुक के 2012 के आई के पूर्व संध्य में उन्होंने शेयरों का मूल्य लगभग 200 मिलियन था साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो फिल्मोग्राफी के बारे में थम्स अप मुख्य रूप से दो हज़ार सात से दस में देखने को मिले साथ ही साथ वी आर द स्टेट में आपको देखने को मिले है। साथ ही साथ ओ दा मेंडोरा सीजन टू एपिसोड वन चैप्टर नाइन द मोशल एक में आपको देखने को मिले हैं साथ ही है। साथ मेंडोरा का सेक्शन कई आ चुके हैं सेक्शन थ्री भी हाल ही में आया है उस पर भी हमने वीडियो बना रखी है आप जाकर उसे भी देख सकते हो तो दोस्तों इनके बारे में जितनी भी डिटेल थी मैंने आपको बता दी अब हमारे अगले एक आपको मैं बताने जा रहा हूँ पार्टी यासुताल के बारे में इनका जन्म 6 दिसंबर उन्नीस सौ तिरासी पर हुआ ये अमेरिकन मंच फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री है वही स्टार के ट्रैक फ्रेंचाइजी में नर्स मॉलियस और गव के अपने चित्रण के लिए सबसे अच्छी तरह से जानी जाती है वह इरिन हीरोज़ की बहन है इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म छः सितम्बर उन्नीस बचपन में हुआ और वर्तमान तक ये बुलंदियाँ हासिल किए जा रहे हैं तो दोस्तों अब इस मूवी के बारे में थोड़ी और डिटेल में आपको बताऊंगा और उसी के साथ हम जानेंगे इसकी और डिटेल थोड़ी तो आप वीडियो को लाइक कर दें साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो इस मूवी के अंदर आपको म्यूजिक देते हुए नज़र आया है वे बी जी यहाँ दोस्तों इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म बीस दिसंबर उन्नीस को हुआ है जिन्हें इनके मंच पर द्लोर से जाना जाता है क्योंकि ब्रिटेन संगीतकार कलाकार और संगीत निर्माता और संगीतकार है इनका नाम ऑफ सलूक है बॉर्डी कार्लिन के नाम से इन्हें जाना जाता है इंडस्ट्री के अंदर इसी नाम से तब लोग इन्हें जानते हैं इनकी बेसिक डिटेल के बारे में बात की जाए तो इनका जन्म तो 30 दिसंबर उन्नीस को हुआ तकरीबन इनकी उम्र सैंतीस साल है इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में हुआ साथ ही साथ ये एक इलेक्ट्रॉनिक है साथ ही साथ एक सिंगर और साथ ही साथ है साथ ही साथ रिकॉर्ड निर्माता इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने अपने कदम जमाने चालू किए 2009 से 2000 से स्टार्ट करते हुए ये आज इस बुलंदियों तक पहुंच चुके हैं लंबाई वाले एल्बम दो हज़ार ग्यारह का दैक्शन फ्लोर और दो हजार तेरह का एक्स जारी किया एक निर्माता के रूप में ब्लोर फादर बॉन और, और इसके साथ दौडी सहित कलाकारों के साथ काम किया है उन्होंने साउंड ट्रैक की रचना भी की है जिन्हें उनके वास्तविक नाम से दैट दिया गया है जिसमें एरी एस्टर की दो की हॉरन फिल्म श्रम और टेलीविजन फोर्निया शामिल है

साथी साथ ही साथ 2013 में जारी की गई और इसके इलेक्ट्रॉनिक अनुभव है 2012 में द दिन क्लोर के एक समृद्धि संस्करण का एक ट्रैक के साथ है सीमेंट की लंबाई वाला रिकॉर्डिंग जारी की साथ ही साथ 2014 में कैडलिस ने अपने 2014 का एल्बम शहर जो कि आपको ऑप्शन से देखने को मिल, मिला था और साथ ही साथ 2017 का एल्बम सिल्वर आई साथ तो ही हाँ साथ ये अब तक ही दो हज़ार उन्नीस साथ ही साथ दो हज़ार पंद्रह में रिलीज हुई माइकल मान की फिल्म पर उनके साथ काम करने के लिए ऑस्कर विजेता स्कोर संगीतकार रोज द्वारा को आमंत्रित किया गया और दो हजार उन्नीस में दूसरी फीचर फॉरन फिल्म बनाए साथ ही साथ टेलीविजन की विजेता ने टी एनिया एन दो हज़ार बीस में उन्होंने द्वारा और साथ साथ ही में उन्होंने द लॉन्च का दौरा करते हुए से अमेरिका का दौरा किया साथ ही साथ खेल संगीत का लगभग पूरी तरह से वाद है और अक्सर भारी बस और के साथ अंधेरे ध्यान में निर्मल लिए एक रूप से बनाते हैं साथ ही साथ इनके अवार्ड के बारे में बात की जाए तो मिडिल दो हज़ार दिया गया 2020 दो हजार बीस में विजय अवार्ड साथ ही साथ दो हजार बारह में टी अवार्ड साथ ही साथ दो हजार बाईस में प्राप्त खेल पुरस्कार ने दिया साथ ही साथ कैलिस दो हजार पंद्रह में लंदन से लॉस एंजल चले गए वहाँ दो हजार सोलह तक के सिल्वर लैंक क्षेत्र में रहते हैं तो दोस्तों इस मूवी के बेस्ट के बारे में भी आपको बता दी। साथ ही साथ अब हम जानते हैं जान नजर आया है जी दोस्तों इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म उनतीस सितंबर उन्नीस सौ को हुआ ये एक अमेरिकन एक तरह से वीडियो एक तरह से वीडियो गेम डायरेक्टर साथ ही साथ फिल्म डायरेक्टर और वेरियल के संस्थापक सदस्य हैं, जो बुडलिन और वेनखॉर के संस्थापक सदस्य भी थे और जो 2006 में पार्ट पिक्चर द्वारा शामिल किए गए और 2012 में अपनी पहली पिक्चर फिल्म रोबोट एंड क्रैप को रिलीज किया जॉन ग्री द्वारा एक ही नाम एक तस्वीर ने जाना जाता है जैक स्टील जिनका जन्म उन्तीस सितंबर उन्नीस को तकरीबन आज इनकी उम्र इकतालीस साल है कैलीफोर्निया कैलिफोर्निया यूएसए में हुआ रूप से ये न्यूयॉर्क के विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट करे और साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इन्होंने दो हज़ार छः छः से इस इंडस्ट्री के अंदर अपना काम जमाना चालू किया और रोबन और दो हज़ार बारह में पेपर डाउन दो हज़ार पंद्रह में साथ ही साथ कैलिफोर्निया में जन्मे जेक न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी टीर्थ स्कूल ऑफ आर्ट में बाबी ने स्नातक करने के बाद उन्होंने संगीत वीडियो पर पर काम करना जारी रखा दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में आपको बताओ तो इन्होंने कॉलेज में दोस्तों के साथ उन्होंने फिल्म टेलीविजन और वेब के लिए कुछ परियोजनाओं पर काम किया छः में सोर्य ने पार पिक्चर्स एक वाणिज्य और फिल्म निर्माता कंपनी के साथ साफर किए और विज्ञापन अभिनयों और विज्ञापनों पर काम किया साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने दो चौबीस जुलाई दो हजार पंद्रह को जारी किए किया जिसका नाम था पेपर टाउन जून दो हजार बाईस में सुपरबोर्ड को एक तरह से डायरेक्ट किया जो कि आपको रूप से देखने को मिली थी दुण 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 कि दो हजार बाईस अच्छा किया साथ ही साथ रोबन और दो हजार बारह में पेपर टाउन दो हज़ार पंद्रह में रेफर सिफ्रा कैरिकॉर्ड दो हजार इक्कीस में और वर्जर जो कि आपको दो हज़ार चौबीस में आपको रूप से देखने को मिलने वाली हूँ उसका डायरेक्शन भी इन्होंने yeah. किया तो है साथ ही साथ दूसरी सिनेमाटोग्राफर की बात की जाए तो मूवी के सीनेटोग्राफर हैं जिससे एक है तरह से भी जरूरी है लार्किन नार्किन उन्नीस सौ पचासी में वो आई है अमेरिकन सिनेटोग्राफर है और कोपकार और के फीचर साथ ही साथ आर्मी मैन मुख्य रूप से भागियाँ दो हजार दस में, तो में और साथ और भी अपकमिंग वीडियोस में एक दस मूवीज में साथ ही साथ में आपको देखने को मिलने वाले हैं इनकी हाल में और दो हज़ार की फिल्में हैं दो बारह मई रोज है

अब हम इसके प्रोडक्शन कास्टिंग सबके बारे में डिस्कस कर चुके हैं तो अब जैसे ही इसकी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा वैसे तो इसका सेक्शन टू या थ्री नहीं बनने वाला और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे साथ ही साथ चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेलाइकन दबाकर से, सेट कर ले तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में